सहारा इंडिया की विभिन्न योजनाओं में झारखंड के तकरीबन 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों के लगभग 3,000 करोड़ रुपए फंस गए हैं। जमा योजनाओं की पॉलिसी मैच्योर्ड होने के बाद भी लगभग 2 वर्ष से भुगतान पूरी तरह बंद है। राज्य के अलग अलग इलाकों में स्थित सहारा के दफ्तरों में हर रोज बड़ी तादाद में पॉलिसी की राशि के भुगतान की मांग लेकर पहुँच रहे हैं, लेकिन उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। रांची, हजारीबाग, रामगढ़, बेरमो, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर सहित कई शहरों में निवेश करने वाले लोगों ने सहारा के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन भी किया है, लेकिन इन शाखाओं के प्रबंधकों और कर्मियों के पास कोई जवाब नहीं है। कंपनी के लिए काम करने वाले 60,000 से भी ज्यादा कर्मी भी हर रोज हो रहे हंगामों से परेशान हैं। निवेशकों का कहना है मैच्योरिटी की राशि का भुगतान न होने से किसी का इलाज के अभाव में निधन हो गया तो किसी के बच्चों की पढ़ाई से लेकर शादी तक रुक गए। मैरिज हॉल पे चुपके चुपके ये लोग मीटिंग कर रहे हैं हमसे बिना जानकारी लिए हुए, जबकि 5 लाख रुपया वहाँ वो लोग खर्चा कर सकते हैं। तो ये हमारे जो पार्टी हैं, हमारे गरीब भाई बहन हैं, जो लोग बहुत मुश्किल में पैसे जमा किए हैं, उन्हें दिया जाए ना। फालतू तो अपने टाइम वेस्ट ये लोग क्यों कर रहे हैं, पैसे वेस्ट क्यों कर रहे हैं? जिनका पैसा लिए हैं श्री सहारा, उनका पैसा दिया जाए। हमारी और कोई लड़ाई नहीं है, बस हमारे गरीब लोग भाई बहन हैं उनकी पैसा दिया जाए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम लोग आज यहाँ डोरंडा थाना में भी आए हैं कि यहाँ पे भी हम लोग कुछ एप्लीकेशन दे सकते हैं कि बाद में हमारे अगेन कोई कार्रवाई ना हो। कल होकर हमारे पार्टी हमारे पे चढ़ जाएगी, इतनी धमकियाँ देती है। कल हमारी पार्टी अगर हम पे चढ़ कर हम पे केस कर दी तो हम कहाँ जाएंगे? इसलिए ये कारण है, हमारी मजबूरी बोलिए या कारण बोलिए, इसलिए हम लोग ये डोरंडा थाना पे आकर अपील कर रहे हैं। परसों से एजेंट है और सहारा इंडिया में हम बहुत सारे दुकानदार भाई आम गरीब जनता का पैसा जमा करवाए, और आज जब मैच्योरिटी का समय आया तब सहारा इंडिया पैसा देने से कतरा रहा है। विगत हम लोग 2 साल से सहारा इंडिया का ऑफिस में चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पैसा देने का नाम नहीं लेता है। अब सहारा श्री हमारे जो हैं ये अपने को अवध का नवाब, देवत्व का उत्तराधिकारी बोलते हैं, ये स्वयंभू कमांडर हैं, अपने को देवत्व का उत्तराधिकारी ये बोलते हैं कि हम भगवान से बस थोड़ा सा कम है, नीचे हैं, और आम मनुष्य से तो हम बहुत ऊपर हैं। इनको हम लोग भगवान का दर्जा देते थे, हम लोग भी इनके बातों पर बहुत भरोसा करते थे। हाँ, अभी इनसे दिल हम लोग का टूट गया। कुछ महिला साथी गई थी इनसे मुलाकात करने सहारा शहर में, गर्मी के दिन में भूखे प्यासे ये वहाँ एंट्री नहीं दिए, बल्कि लाठी चलवा दिए हमारे महिलाओं पर, महिला कार्यकर्ताओं पर। यही प्रूफ करता है कि इनके कथनी और करनी में समानता नहीं है। अपने बेटों को ये मैक्सिडोनिया का नागरिकता दिलवा चुके हैं, हाँ, और अभी मौनी बाबा बन गए हैं। ये लड़ाई जो सहारा से भी का है ये खाली रियल इस्टेट और हाउसिंग का है, हाँ। अभी जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 3-4 स्कीम में हम लोगों का पैसा है, हम लोग उससे त्रस्त हैं। एक मजदूर है जो हम लोग कुली कबाड़ी करते हैं, और ये अपना बाल बच्चा के लिए हम लोग किरी पैसा हम लोग जमा करते हैं सहारा में, और हम लोग अच्छा खासा पैसा हम लोग फंस चुका है। और अभी हम लोग पैसा के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है, ना सही से रोज़गार मिल पा रहा है हम लोग को, ना अभी हम लोग जो पैसा जमा किए हैं वो पैसा हम लोग को मिल रहा है। हम लोग को आगे काम करने में बहुत दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।